फ्रंट पर कई सारे अपडेट्स आएंगे, कई सारी चीजें होंगी जिस पर नजरें रहेंगी। ध्यान रखिएगा, ये तमाम जो एलाइज हैं बीजेपी के और इंडिया ब्लॉक के, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहां पर क्या उभर कर आता है, क्या कुछ एलाइज की मांगे होती है, उस पर ध्यान देना होगा। सीएनएन न्यूज 18 के हवाले से अपडेट आ रहा है कि जेडीयू ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग की है। तो ये फिलहाल एक बड़ी डेवलपमेंट, आगे कुछ और बयान आएंगे तो वो भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन इस समय की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि जेडीयू दरअसल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग कर रहा है। अब उसका खाका कैसे रहेगा, क्या इस पर सहमति बनती हुई दिखाई देगी या नहीं, या फिर ये कड़ंगा साबित हो सकता है, इस पर दरअसल आगे विश्लेषण होगा। लेकिन ये आपके लिए एक बड़ी डेवलपमेंट इस समय आती हुई दिखाई देगी। कोशिश कीजिएगा आप प्लीज़ लक्ष्मण रॉय, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर को भी जोड़ने की, वो ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे इसका पॉलिटिकल, इसका इकोनॉमिक रैमिफिकेशन, इकोनॉमिक असर क्या होता हुआ दिखाई देगा। बाजार इस बीच 22,253 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट है। चलिए अब आते हैं पंकज की तरफ। पंकज का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे, वहाँ पर भी जो विनिंग ट्रेड था वो ऑफकोर्स एनएमडीसी में शॉर्ट कॉल का था, वो कल के कल खप गया। आज फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिहाज से क्या ट्रेड रहेगा पंकज जी, वो आप तैयार रखिएगा। इस बीच लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जेडीयू की मांग है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो। ऑफ कोर्स ये अर्ली डेज है, लेकिन इसके पॉलिसी पर क्या इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बारी भी जब भी कोलेशन की गवर्नमेंट बनी है, एक कॉमन ग्राउंड पर सब एलाइज आकर बात करते हैं और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के दिन हमने पहले देखे हैं। देखिए दरअसल ये अर्ली डेज नहीं, मेरे हिसाब से ये लगभग तय ही मानिए कि जिस तरह से भाजपा बहुमत से दूर है, सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ी है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसी कोई चीज तो होगी। और बता दूं कि नीतीश कुमार वहां से निकले हैं बिहार से, पर दिल्ली के लिए 10:45 की फ्लाइट थी। उससे पहले चिराग पासवान की मुलाकात हुई है नीतीश कुमार की बिहार में। चिराग पासवान दूसरी फ्लाइट से आ रहे हैं और ये महज इत्तेफाकी कही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही फ्लाइट से आ रहे थे, शायद तीसरी आसपास हो, तो वो एक अलग से इत्तेफाकी है। लेकिन यह है कि चिराग पासवान से मुलाकात को भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान एक तरीके से मैसेंजर का भी काम करेंगे मोदी की तरफ से उनके पास जाकर के। तो कॉमन मिनिमम एजेंडा या फिर रिफॉर्म के मोर्चे पे चल रही थी, वहां पे कहीं ना कहीं उनको समझौता करना पड़ेगा। अब ये समझौता आपको निजीकरण को लेकर के हो सकता है, दूसरी चीजों में जो एसेट मोनेटाइजेशन के बहुत सारे प्लान थे जिसमें सरकार ने कई सारी कंपनियों के एसेट को बेचने की बात की थी, वहां पर राजनीतिक विरोध काफी ज्यादा हो रहा था, वो एक चीज वहां पे होगी। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, वहां पे भाजपा को छोड़ के सहयोगी दलों में कहीं ना कहीं यहाँ पे आशंका थी, उस पर सरकार को थोड़ा सा झुकना पड़ सकता है। तीसरी चीज यहाँ पे जो लेबर रिफॉर्म है, कोड जो लेबर रिफॉर्म के चार कोड अलग अलग बनाए गए थे, उन चारों कोड को तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी उसको नोटिफाई नहीं किया गया था। उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे लेबर यूनियन खास तौर से विरोध कर रहा है हायर एंड फायर जैसे पॉलिसी का, तो वहां पे आपको जो है सो दिखेगा वहां पे प्रतिरोध। जो पेंशन फंड पेंशन सेक्टर को लेकर रिफॉर्म होने की बात हो रही थी, वहां पे एक आपको थोड़ा सा सरकार को, मोदी सरकार को कह सकते हैं, नरमी बरतनी पड़ सकती है। ये सारे मुद्दे होंगे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपको इसकी झलक देखने को मिल सकती है। एक कॉमन ग्राउंड शायद अचीव करने में समय लगे, लेकिन करना पड़ेगा अगर इस सरकार चलानी है, सक्सेसफुली चलानी है 5 सालों के लिए, कुछ कॉम्प्रोमाइज बड़े पैमाने पर बीजेपी को करना पड़ेगा। अब जेडीयू बेसिकली कह रहा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसकी और डिटेल्स आगे होपफुली आज शाम आज दोपहर तक निकल कर आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर एक लॉस शायद आ चुका है। दूसरी तरफ जो टीडीपी है, उनकी तरफ से क्या कुछ ऐसी मांग, ऐसा कुछ हिंट आया है कि अब तक? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रबाबू नायडू ने मेरे ख्याल में तो पूरी तरह से समर्थन देने की बात की, ऐसा कोई क्लॉज आने की गुंजाइश है क्या लक्ष्मण? देखिए समर्थन दिया है, औपचारिक समर्थन दिया और समर्थन देंगे भी, और लेकिन शुरू में यह भी चंद्रबाबू नायडू पूरा समर्थन देंगे, लेकिन मेरा अपना आकलन या फिर कहें पिछला जो सहयोगी दलों का अनुभव रहा वाजपेयी के सरकार का, तो सरकार मोदी के लिए
टीडीपी को हैंडल कर पाना सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। और मुझे जो चर्चा मिल रही राजनीतिक गलियारों से हुई है कि अभी से उसने लोकसभा स्पीकर के पद पर अपनी दावेदारी की इच्छा जता चुके हैं। लोकसभा स्पीकर आपको सुनने में हल्का पद लग रहा हो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दो मुद्दों को लेकर के। पहला, जब महत्वपूर्ण बिल पारित कराना होता है तब लोकसभा स्पीकर की भूमिका बढ़ जाती है। दूसरा, जो कई बार अविश्वास प्रस्ताव होता है तो वहां पर लोकसभा स्पीकर की भूमिका बढ़ जाती है। तो लोकसभा स्पीकर का पद मिलना चाहिए हमें, ये शायद भाजपा हाईकमान को टीडीपी ने जता भी दिया है, चंद्रबाबू नायडू ने जता भी दिया। यहाँ बताना चाहूँ कि वाजपेयी सरकार में जब टीडीपी सहयोगी दल थी तो वहां पे जो है सो बालियोगी थे टीडीपी की तरफ से जो लोकसभा स्पीकर थे, तो अभी से ही खींचतान वहां शुरू हो गई है। लेकिन जब आपने कहे कि बातचीत होगी क्या बार्गेन होगा, तो दो लाइन में बता दूं कि सबसे ज्यादा नजर होगी चार मंत्रालय पे, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। इसमें से कोई एक मंत्रालय अपने पास ले लिया जाए ये सहयोगी दलों की पूरी कोशिश होगी। बहुत मजबूरी रही तो मोदी सरकार रक्षा मंत्रालय को हो सकता है दे भी दे, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। लेकिन वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय शायद किसी भी सूरत में मोदी सरकार नहीं शेयर करना चाहेगी। दूसरा, रेलवे मंत्रालय जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जेडीयू की नजर रेलवे मंत्रालय पर होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अलावा जेडीयू एक शर्त ये भी रख सकता है कि रेलवे हमें दे दीजिए, क्योंकि रेलवे में नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री भी रहे हुए हैं। अगर रेलवे सहयोगी दलों के पास जाता है तो रेलवे का किराया बढ़ाया जाना, रेलवे का निजीकरण, रेलवे में जो रिफॉर्म आ रहे हैं उसको एक थोड़ा सा झटका लग सकता है, फिर कहें कि उसमें देरी हो सकती है, उन सहयोगी दलों को इसके लिए मनाना इतना आसान नहीं होगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो देखिए